अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे मिक्स सब्जी की रेसिपी, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही डिलीशियस बनता है। और ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर तरन्नुम पीरज़ादा की फरमाइश पर बना रहे हैं, जो हमारी वीडियो को देखना काफ़ी पसंद करती हैं। और अगर हमने आपका नाम गलत लिया है तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम मिक्स सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको देखने से ही लग रहा होगा ना, काफ़ी डिलीशियस बना है ये। तो मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमें ढेर सारी सब्जियाँ लेनी होगी, और सब्जियाँ की चॉइस ना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे वेजिटेबल्स को रेडी कर लिया है। हमने यहाँ पर 3 आलू लिया था, इसके हमने छिलके निकाल लिए हैं और इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट करके हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और यहाँ पर हमने 1/2 kg कुनी फ्लावर लिया था, फूल गोभी, तो हमने थोड़े बड़े इसके फूल रखे हैं। और यहाँ पर हम लेंगे 200 ग्राम के करीब बीन्स, तो बीन्स को भी हमने इस तरह से काट लिया है और हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर 200 ग्राम हम लेंगे पनीर, और 150 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर गाजर लिया है, और 2 हमने शिमला मिर्च को मोटे मोटे क्यूब में काट लिया है। यहाँ पर धनिया पत्ती को हमने बारीक चॉप किया है। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 प्याली हमने लिया है मटर, और यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिया था ना, तो उसमें से हमने 1/2 पनीर को ग्रेट कर लिया है, और चॉप किया हुआ हम हरी मिर्च लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, 2 टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया है, और 1 छोटे साइज के टमाटर को हमने मोटे पीसेस में कट किया है 4 भागों में। यहाँ पर हो गई सारी सब्जियाँ रेडी। और भी इसमें जो सब्जियाँ आप ऐड करना चाहते हो आप ले सकते हैं, या फिर जो स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो उसके लिए हमने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई में हम ऑयल ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है कुकिंग के लिए। तो जब कभी भी आप मस्टर्ड ऑयल लेना तो आप उसे अच्छी तरह से हीट कर लें। तो यहाँ पर ऑयल जो है ना पूरी तरह से हीट हो चुका है। तो चलिए अब हम सभी सब्जियों को बारी बारी कर फ्राई कर लेते हैं। तो आलू सबसे हार्ड होता है ना, तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, आलू जो है काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसी बीच हम इसमें गाजर भी ऐड कर देते हैं, और गाजर को भी हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, और साथ में आलू भी और फ्राई हो जाएगा, क्योंकि आलू को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो गाजर के साथ भी हम इसे थोड़ा कुक कर लेते हैं आलू को। यहाँ पर जो है आलू और गाजर पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, तो हम उसे निकालेंगे और इसमें बीन्स फ्राई कर लेते हैं, और 2 मिनट तक हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बीन्स भी काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम फूल गोभी को भी फ्राई कर लेते हैं, इस पर हल्का सा लाइट कलर आने तक। यहाँ पर गोभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, चलिए इसे भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए बारी आती है पनीर की, तो पनीर को हम 1 मिनट चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पनीर को हमें ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। इसी ऑयल में हम शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे 2 मिनट चलाते हुए। सभी सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है, हमने मटर फ्राई नहीं किया है, मटर हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हम जीरा ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे, 2 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, और 1 बड़ी इलायची हमने लिया है। हमने 3 लौंग लिया है, तो 10 से 15 सेकेंड तक हम इसे चटकने देते हैं। उसके बाद हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इस स्टेप पे गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं, ताकि प्याज जो है ना काफ़ी जल्दी भून जाए। तो प्याज को भूनते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं प्याज जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए इसी स्टेप पे हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड कर देते हैं। और टमाटर ऐड करने के बाद तो नमक ऐड करना लाजमी है, क्योंकि जब हम नमक ऐड करते हैं ना तो टमाटर जो है ना काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसी बीच हम 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। और आज हम काफ़ी बिजी थे, तो आज हम कुकिंग जो है ना काफ़ी जल्दी में कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें 1/2 टमाटर और प्याज को हम मिक्सी जार में थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ग्रेवी का थिकनेस है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए इसी बीच हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं, और 1 मिनट हम चलाते हुए भून लेते हैं। इसी बीच हम 1/2 प्याज टमाटर को निकाल लेते हैं, और ठंडा होने के बाद हम मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। बट यहाँ पर हम आपको टिप देते हैं, अगर आपके पास टाइम कम हो ना तो आप इसमें आइस क्यूब डालिए और इसे तुरंत ग्राइंड कर लीजिए। तो चलिए इस निकाले हुए मसालों को हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं 2 आइस क्यूब डालकर। तो चलिए अब हम कढ़ाई में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर,
हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो है ना जले नहीं। 1 टीस्पून हम इसमें तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं स्पाइसी के लिए। आप मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। चलिए अब हम इसमें फ्राई किए हुए सभी सब्जियाँ ऐड कर देते हैं। क्योंकि सब्जियों को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था तो सब्जियाँ जो है ना हल्की सॉफ्ट तो हो ही गई हैं। अब हम इसे मसालों के साथ भून लेंगे ताकि सब्जियाँ जो है ना मसालों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। 2 मिनट हमने मसालों को भून लिया है सब्जियों के साथ। अब हम इसमें फूलगोभी भी ऐड कर देते हैं। तो फूलगोभी को जो है हमने अच्छी तरह से फ्राई किया है, आप इसका कलर देख सकते हैं, तो आप इसे बाद में ही ऐड करें। जो थोड़ी हार्ड सब्जियाँ हो ना आप उसे पहले ऐड करें, मसालों के साथ उसकी अच्छी से भुनाई करें, उसके बाद आप उसमें फूलगोभी ऐड करें। चलिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और साथ में अब भून लेते हैं। अब मटर ऐड करना तो भूल ही गए थे, चलिए हम मटर भी ऐड कर लेते हैं और मसालों के साथ हम मटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। और मटर जो है ना हमने ताजे लिए हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से मटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो कैश टमाटर को जो हमने निकाल कर रखा हुआ था उसे हमने ग्राइंड कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और आप देख सकते हैं इसका हमने फाइनली पेस्ट रेडी किया है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम लो करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि सब्जियां जो है ना पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए 6 मिनट हो चुका है और हम सब्जियां चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मसाला काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और सब्जियां जो है ना पूरी तरह से टेंडर लग रही हैं। चलिए हम पहले आलू चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू जो पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, फूलगोभी भी पूरा गल चुका है। इसमें हम पनीर ऐड कर देते हैं और अगर आप ग्रेवी वाला चाहते हो ना तो आप इसमें 1/2 कप या 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। बट हम इस तरह से सूखी मसालेदार सब्जी बना रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, और इसका टेस्ट और भी दुगना करने के लिए हम इसमें थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं। तो आप लोग भी कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें अगर अवेलेबल हो तो। तो कसूरी मेथी को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, तो हाथों से क्रश करते हुए हम इसमें डालेंगे इस तरह से, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और हम धनिया पत्ती भी ऐड कर देते हैं। और जहाँ धनिया पत्ती की बात की जाए तो इसके बिना तो हर सब्जी अधूरी सी लगती है। तो चलिए अब हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मसालों में लिपटी हुई मसालेदार सब्जी रेडी है और बहुत ही टेस्टी बना है ये। और ये मिक्स सब्जी बनाने में हमने ज़्यादा मसालों का भी यूज नहीं किया है और घर के ही मसालों से हमने इसे रेडी किया है, और कितना टेस्टी बना है। और एकदम रेस्टोरेंट जैसा लुक देने के लिए हम इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर देते हैं। जब आपके घर कोई वेजिटेरियन गेस्ट आए आप इस तरह से मिक्स सब्जी बनाकर खिलाएंगे ना तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे घर पर रेडी किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर आप इसका लुक देखिए, देखने में लग रहा है ना काफ़ी डिलीशियस। तो आप लोग भी इस मेथड को फॉलो करते हुए इसे ट्राई करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। इस कैटूला से अच्छे से नहीं निकल रहा है, चलिए हम एक कलछी ले लेते हैं और जो भी इसमें हम खड़े मसाले देखेंगे उसे हम साइड कर लेंगे ताकि खाते समय बाइट में ना आए। आई होप कि आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, वो भी मसालेदार मिक्स सब्जी। चलिए यहाँ पर हम आपको एक बाइट बनाकर बताते हैं क्योंकि हमसे तो रहा नहीं जा रहा है, काफ़ी टेस्टी बना है ये। तो ये लीजिए, है ना काफ़ी डिलीशियस। गाइस अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।